हजारीबाग जिले के टिटीझरिया थाना क्षेत्र के झरपो गांव की 12 महिलाएं परेशान हैं। ईडी पटना ने इन महिलाओं के बैंक खाते फ्रीज करते हुए सभी को अंग्रेजी में लिखा कि 113 से 115 पन्नों का नोटिस भेजा है। आपको यह बता दें कि 2 फरवरी को भेजे गए ईडी के नोटिस के अनुसार महिलाओं के बैंक खातों में कोलकाता से 3.90 करोड़ रुपए डाले गए हैं। इनमें से पूर्व में 3.25 करोड़ रुपए की निकासी हो चुकी है। बचे हुए 65 लाख रुपए में से बाद में 6 लाख और निकाले गए। ईडी ने इन महिलाओं को अपना पक्ष रखने को कहा है। जिन महिलाओं को ईडी का नोटिस मिला है वो बेहद गरीब बताई जा रही है। पहले तो उन्हें नोटिस के बारे में समझ नहीं आया, बाद में गांव के पढ़े लिखे लोगों ने जब उन्हें बताया कि यह करोड़ों रुपए के लेन देन को लेकर ईडी की तरफ से नोटिस भेजा गया है तो उनके पैरों से जमीन खिसक गए। महिलाओं ने कहा कि उन्होंने तो कभी इतनी बड़ी रकम देखना तो दूर सुना भी नहीं है। सभी महिलाएं बेहद डरी हुई है। इन 12 महिलाओं ने बताया कि गांव की एक महिला ने रोजगार दिलाने के नाम पर स्थानीय बैंकों में उनका खाता खुलवाया था। उसी महिला ने सभी का एटीएम कार्ड, पासबुक और चेकबुक भी अपने पास रख लिया है। उसके बाद वे अपने बैंक खाते के बारे में कुछ भी नहीं जानती हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के क्रम में ईडी ने 27 और 28 दिसंबर 2023 को कोलकाता के AF 179 रविंद्रपल्ली केस्टोपोर निवासी रॉबिन कुमार यादव के आवास से परिसर में छापेमारी की थी। उस दौरान कई दस्तावेज आपको बता दें कि बरामद किए गए थे। दस्तावेजों की जांच में यह सामने आया था कि रॉबिन यादव ने अपनी अवैध आय को छिपाने के लिए बड़ी राशि 12 महिलाओं के खातों में ट्रांसफर की है। इन महिलाओं को अब ईडी ने नोटिस भेजा है जिसके बाद हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि इन महिलाओं के खाते से बड़ी राशि पाई गई है। महिलाओं का कहना है कि उन्हें इस बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।